Assalamualaikum. So guys, welcome and welcome back to my mom's YouTube channel, Zeba Shani, and this is the part 4 of renovating our room. So इसमें ये हम लोग का जो बेड रखा गया था, जो न्यू वाला दीवान था, वो जहाँ रखा गया था, we didn't like this position. तो यहाँ पर सब सफाई करके हम लोग दोबारा शिफ्टिंग करने जा रहे हैं. पापा ने कहा था कि इसे, मतलब पापा ने नहीं, हम लोग ने सजेस्ट किया था कि इसे इस साइड अगर रख दे तो सोफे के जगह और सोफे को मतलब इस साइड कर दे तो आई थिंक इट विल लुक बिट बेटर. तो वही होने जा रहा था, लेकिन इंसिडेंटली वो भी अच्छा नहीं लग रहा था. एंड गाइस, यहाँ पर लिटरली अंकल कुछ नहीं उठा पा रहे थे, तो आई आस्क्ड माय डैड कि पापा अगर आप मतलब मुझे अलाउ करे तो मैं आई हेल्प यू. तो ही सेड कि ओके, तुम उस साइड पर करना बाबा अंकल के साइड एंड मेरी हेल्प करवा दो, वरना ये तो उठा नहीं पाएंगे. एंड हमको ये कपड़े इस सोफे पे रखने पड़े, क्योंकि यहाँ पे ना मैं सोची यहाँ पे हम लोग मैट डलवा दूँ मम्मी, और यहाँ पे मैट डल जाएगी, फिर इसके बाद ये सोफे इधर आ जाएंगे एंड ये उधर शिफ्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे सेंटर टेबल डल जाएगी. तो ये फिर थोड़ा अच्छा, यहाँ पर अंकल झाड़ू लगा रहे थे एंड हम लोग सोच रहे थे, मतलब ध्यान रख रहे थे कि सही से लगा रहे हैं कि नहीं. और देख सकते हैं आप कितने सारे कपड़े फैले हुए थे एंड इतने सारा मतलब फैलावा हो गया था ना, कि आज तक हम लोग सफाई नहीं कर पा रहे हैं सही से. मच्छर से तो सफाई नहीं है. काम पे निकला और मारा जा दीवान के ले आता था तुमने दीमक कहाँ लगी है? देख तो पापा ने अंकल लगा जरूर है, लेकिन उनके पैर इतने गंदे, वापस काला हुआ जा रहा है.
कोई आया क्या? सबको नहीं है, क्या करना है? ये लीजिए, आप देख सकते हैं दीवान पे अभी जो दीवान पे अभी गद्दे नहीं पड़े हैं, क्योंकि वो ऑर्डर किए गए हैं। मैं यहाँ पे पापा के साथ जा रही हूँ। सो यहाँ पर हो रहा है बहुत ही क्विक ट्रांजिशन, सो दैट यू ऑल कैन नॉट गेट बोर्ड। एंड मैंने ये वॉइस इसलिए रिमूव नहीं की है बिकॉज आई वाज लाइकिंग इट, जैसे कि वो एक एएसएमआर टाइप वॉइस दे रही थी, दैट्स व्हाई। ये देखिए ये हो रहा है कवर में बैठ के काम। ये देखो मम्मा काम कर रही है। ये तो मेरे कपड़े हमें दे दीजिएगा अलग। ये देखे है, ये देखे ठंड का है, ये मेरी ठंड की है, ये फेंक दे, दे दे किसी को, ये क्रॉप है ठंड है ना, ये मेरा जाना क्या आएगी नहीं, ये मेरा है। गाइज लिटरली इतनी मेहनत करनी पड़ी मुझे, फिर जाके मेरा जो बक्सा था वो फिनिश हो पाया, उसे फिर बंद कर पाई मैं, वरना तो इतने कपड़े थे तुम आप लोग ने तो देखा ही होगा। इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क फॉर मी, वो बहुत सारे कपड़े थे। एंड आई यूजली डोंट डू सफाई एंड ऑल, क्योंकि मैं ज़्यादा सफाई वफाई नहीं करती, मुझे नहीं पसंद। एंड ये देखिए मेरा ये कांच वाला जो फोटो फ्रेम था ये भी टूट गया था मुझसे ही। इतना गंदा है सर, ओके उठ सकते हैं। एंड मम्मी भी नमाज पढ़ के आगे जल्दी जल्दी हम लोग की हेल्प करवाने लगी, सो दैट जल्दी से काम फिनिश हो जाए। गाइज यहाँ पर वी वर हेल्पिंग ईच अदर्स। तो गाइज मैं आपको बता दूँ मेरी तबीयत नहीं सही है, सो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। तो मैं बता रही थी कि हम लोग सफाई तो कर रहे थे एक साथ एंड, लेकिन हम लोग लड़ भी रहते हैं, हम लोग लड़ते भी जाते हैं, एक दूसरे का साथ भी देते जाते हैं, एक दूसरे से गुस्सा भी होते जाते हैं, पागल भी होते जाते हैं, उससे ना बोला नहीं जा पा। यहाँ पर मैं अपना जो फोटोज़ मैंने लगाई हुई थी वो सेट कर रही थी, मैंने इन्हें देखे खुद को मिरर में देख के कितना डांस कर रही है। यहाँ पर ना कुछ ज़्यादा ही लड़ाई बढ़ गई थी, क्योंकि फिर स्लो स्लो काम कर रही थी एंड मैं कह रही थी जल्दी करो मुझे नहाना है और फिर नमाज भी पढ़नी है, मेरी नमाज भी छूट गई थी तो इस वजह से मैं गुस्सा हो रही थी। फिर उसके बाद अफीरा कहने लगी ठीक है तुम जाओ खुद ही हेल्प करो खुद की, मैं नहीं हेल्प कर रही हूँ तुम्हारी। फिर उसके बाद मैंने खुद ही किया इसलिए वीडियो भी नहीं वहाँ की। सो दैट वॉज इट, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई मॉम्स यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट।
and please wait for the upcoming videos. We'll meet soon inshallah in next vlog. Till that, Allah Hafiz.